जानते ही पद्मेश का इंटरनेट चलता नहीं, दौड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस हो या 4K मूवीज, बिजनेस की वीडियो कॉल्स हो या बच्चों का टाइम पास, सबका सब कुछ एक टाइम पर चले और होए नो झगड़ा, और प्राइसिंग भी ऐसी कि बटुए को भी हो नो लफड़ा। तो आप भी लगवाओ, क्योंकि हर घर के लिए पद्मेश X500 जरूरी है। शहर के निजी नर्सिंग होम में उस समय परिजनों ने हंगामा कर दिया जब एक प्रसूता को प्रसव पीड़ा के दौरान शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था एवं प्रसव के बाद प्रसूता की मौत हो गई और परिजनों ने निजी नर्सिंग होम पर आरोप लगाया है कि नर्सिंग होम के प्रबंधन द्वारा उन्हें प्रसूता को मौत की जानकारी कुछ घंटों बाद दी गई। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को शहर के निजी नर्सिंग होम में एक प्रसूता की मौत से हड़कंप मच गया। स्वजनों ने निजी नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मृत महिला ने बच्ची को जन्म दिया है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। नवजात का बूढ़ी अस्पताल में उपचार जारी है। मृतिका के स्वजनों का आरोप है कि निजी नर्सिंग होम में प्रसव के बाद प्रसूता ने बच्ची को जन्म दिया और प्रसूता की मौत हो गई, लेकिन चिकित्सकों ने ये बात करीब 3 घंटे तक परिवार से छिपाए रखी और इतनी देर तक ऑपरेशन थिएटर में इलाज का नाटक करते रहे। वहीं नर्सिंग होम संचालक ने आरोपों को झूठा बताते हुए इसे खारिज कर दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार को ग्राम ददिया लालबर्रा से वर्षा पंचेश्वर को प्रसव पीड़ा होने पर स्वजनों ने निजी नर्सिंग होम लाया था, जहां पर प्रसूता का प्रसव हुआ, किंतु उसके बाद प्रसूता की हालत बिगड़ती चली गई और कुछ घंटे बाद प्रसूता की हालत बिगड़ता देख निजी नर्सिंग होम के संचालकों द्वारा उसे अन्य अस्पताल रेफर कर दिया गया, किंतु स्वजनों का मानना है कि रेफर करने से पहले ही प्रसूता की मौत हो चुकी थी और जैसे ही वह शहर से दूसरे नर्सिंग होम में गए तो उन्हें रेफर के दौरान ले जाया गया तो वहां के अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें मृत करार बताते हुए उनकी मौत कुछ घंटे पहले हो गई थी यह बताया गया। क्या हुआ था? हम लेके आए थे सीजर करवाने के लिए, पहले से पता था कि सीजर होगा करके, तो मैडमों ने सीजर किए लेकिन उसके बाद से 1.5 से 2 घंटा हमें बिल्कुल भी पेशेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, सिर्फ इतना बोले कि अंदर लड़की ठीक है, सिर्फ इतनी जानकारी दी गई। और जैसे ही बाहर वो एम्बुलेंस से उन्होंने बोले कि दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करो, लेकिन शिफ्ट करने के पहले ही हम समझ चुके थे कि लड़की एक्सपायर हो चुकी है, हम समझ गए थे। और जो इनका बच्चा है क्या कैसी है हालत? उसकी हालत भी कमजोर है, बूढ़ी हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि नहीं, क्या कुछ नहीं बताया, बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोला गया इनसे कि यहाँ से मिताली हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मिताली ले जाने के पहले ही उनकी डेथ हो गई, जाने के पहले ही हो चुका है, इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, अपने हाथ से सिर्फ उन्होंने हटाए कि यहाँ से आप लोग निकल जाओ, सिर्फ इतना बोला है। तो सुविधाओं में भारी कमी है, यहाँ भारी कमी है, कोई कोई डॉक्टर का चेकअप नहीं है, कुछ नहीं है। का नाम बताइए क्या है? मैं शुभम वैद्य हूँ। हाँ। मैं आपको बालाघाट के प्राइवेट अस्पतालों का कुछ बताता हूँ। हाँ। बहुत दुख की बात है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोई सुविधाएं नहीं है। अरे पहली बार नहीं है कि जब किसी बच्चे की या फिर किसी गार्जियन की मृत्यु हुई है, अभी कुछ देर पहले इनको डिलीवरी के नाम पर लाया गया था, इनका सीजर हुआ और डॉक्टर ने 3 घंटे तक नहीं बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, और 2 घंटे 2.5 घंटे बाद इनके पेरेंट्स को बता रहे हैं कि लड़की की डेथ हो गई है, और जो बच्चा हुआ था इनको बूढ़ी अस्पताल लेकर गया क्योंकि वो काफ़ी गंभीर रूप से, अब पता नहीं मैं क्या बताऊं आपको, वो सीरियस है अभी, वो बच्चा तो उसको NICU में रखे पड़ी है और जो उनकी माँ थी उनकी डेथ हो चुकी है, जबकि यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। अभी देख रहे हैं डॉक्टरों से बात करें तो जो जिनने ऑपरेशन किया था वो मैडम यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ वो मैडम, कहाँ है? वहीं इस संबंध में सिंह होम के संचालक कैमरे के सामने तो कुछ भी कहने से मना कर दिया, पर अनौपचारिक चर्चा में बताया कि शनिवार को अस्पताल में प्रसूता का प्रशिक्षित और अनुभवी चिकित्सकों द्वारा टीम ने प्रसव कराया था। बच्ची को जन्म देने के बाद महिला सदमे में थी, जिसकी हालत बिगड़ने पर स्वजनों को इसकी जानकारी दी गई थी। स्वजनों को यह भी बताया गया था कि मरीज को ICU में भर्ती करना पड़ेगा। संभवतः महिला की मृत्यु हृदयघात से हुई है। मौत के बाद हमने विधिवत कार्यवाही की है और पुलिस को भी सूचित किया है। स्वजनों द्वारा महिला की मौत के बाद देर तक इसकी सूचना न देने की लापरवाही का आरोप बेबुनियाद है।